करें। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ फ्रेंड ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग करते नहीं स्टार्ट, ठीक है। तो आज एक शादी है उस पर जाना है, ठीक है, तो उस पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या सीन होता है उधर, क्या रौनक शुगल मेला होता है, तो आपके साथ भी शेयर करेंगे, जो हम इंजॉय करेंगे वो आपको भी दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले तो आपको मैं गाड़ी दिखाता हूँ कि गंदी हुई है थोड़ी सी ना, कल भी वॉश कराई थी, कल के वाली वीडियो में शायद आपने देख ली हो। ये चेक करें आप, ये मिट्टी पड़ी है, ठीक है, क्योंकि वाइट है तो सिल्वर है, सॉरी, तो इस वजह से शो नहीं इतनी हो रही होगी। और ये चीज़ें जो उनसी हैं ना, इनको भी छोड़ ही दें आप, कर लेंगे इनको भी। तो पहले तो इसके ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, ठीक है, आप ये चेक करें पीछे से, ओए होए अच्छे वाली, ये चेक करें और इस साइड से चेक करें, ठीक है। तो जल्दी से इसको अब कपड़ा मारते हैं, ठीक है, इसको एक बार झाड़ के ना, तो कपड़ा मारते फिर ये फ्रेश हो जाएगी, तो फिर देखते कब निकलना है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी तो कुछ गुजार ला, कपड़ा वगैरह मार दिया, साफ़ हो गई है, ठीक है, तो अब निकलते हैं, ठीक है, चल के देखते हैं कि उधर हाल में क्या सीन है, कि कुछ आए भी हैं कि नहीं, क्योंकि लोग आए भी हैं कि नहीं, क्योंकि हम लड़की वालों की तरफ से हैं, तो हाल चल के देखते हैं कि क्या सीन होगा, ठीक है, तो इसको फिर चलते हैं लेके। अल्हम्दुलिल्लाह हम शादी हाल पहुंच गए हैं, ठीक है, पीछे चेक करें आपको मैं दिखाता भी हूँ, ठीक है, लोग हैं इधर, निकाह वगैरह हो रहा है, तो अभी निकाह होता है तो फिर देखते हैं क्या प्रोग्राम करते हैं, खाने के लिए कुछ सामान रख दिया, वो आपको मैं चेक करवाता हूँ वगैरह। आ गया, ये कुछ चावल है, नान वगैरह खा लिया, आप देखते आगे क्या सीन है। मैंने अभी उनको पॉलर से लिया है और तस्वीरें वगैरह क्लिक करवाने के लिए ना एक मतलब फ़ोटोग्राफ़र उनके पास छोड़ दिया, ठीक है, तो वो थोड़ी देर 10-15 मिनट 20 मिनट उनको पोज में डिफरेंट पोज में तस्वीरें क्लिक कराने में टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं उनको मतलब के जो रेस्टोरेंट है या होटल टाइप है, रेस्टोरेंट ही है, तो शादी हाल जिसको कहते हैं हम, ठीक है, उस उधर उतारूँगा, ठीक है, तो फिर उसके बाद देखते आगे क्या प्रोसीजर करना है, क्या करना है, वो फिर सारा आपके साथ शेयर करते हैं। मेरी दाढ़ी पर ना जाइएगा, ठीक है, वो थोड़ी सी ना ज़रा बड़ी हो गई है और थोड़ी ना बुरी लग रही है, ठीक है, और वैसे भी कंघी वगैरह नहीं की, तो उस वजह से बाल थोड़े से ना ऊपर नीचे हुए हुए हैं, तो बाकी हम साए थे, ठीक है, उस इसलिए मैंने उनकी मदद कर दी, ठीक है, आपको पता मैं इतना अच्छा तो है भी नहीं हूँ कि ऐवें किसी को मदद करूँ, ठीक है, तो हम साए थे और मतलब के उनके घर में कोई मतलब एक बाबा जी हैं और उनके घर में कोई मर्द मतलब कि मर्द या लड़का नहीं है जो ऐसे काम कर सके, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, हम साए भी हैं, रिश्तेदार भी हैं और मतलब के काम आना चाहिए, जब अल्लाह मैंने दिया है तो फिर इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है करने को, ठीक है, अभी तो मैं उनको उधर उतारा है, अभी इंतज़ार करता हूँ, तकरीबन 10-15 या 20 मिनट या आधा घंटा जितना टाइम लगेगा मैं वेट कर लूँगा, फिर उनको ले कर तो उधर शादी हॉल में चलेंगे, फिर देखेंगे कि आगे कब तक बारात जाती है, क्या हिसाब किताब है, वो सारा आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। मैंने दुल्हन को उतार दिया हाल में, ठीक है, तो अब वो लबी सामान लेके उनका जा रहा है, जो उनको गाड़ी में रह गया था, ठीक है, तब शायद हम ये कार करके ना तो इधर से निकलें, क्योंकि घर जाना है हमने, घर चलते जाके अब इधर से क्या है उनका ये सारा काम वगैरह, ठीक है, तो देखते हैं क्या करें, मैं आपको हाल का वाहन से ना गाड़ी में बैठे बैठे एक गेड़ा सा दिलाता हूँ, ठीक है, चेक करें हाल कुछ इस तरह का, ये वाला बाहर अंदर से तो आपने देखा ही होगा क्या हिसाब किताब है,